ये भरी दोपहरी में यह सभा हो रही है, हमें तो जो ही लग रहा हो तो कि दो चार लोग मिले, बाकी तो सब कहते हैं हो भैया हो गई, आप इतने लोग आए सबका धन्यवाद। हमने दो चार चीजें बदलने की कोशिश करी है। हम अपने जितने भी जो हमारे प्रोग्राम को बनाते हैं, आयोजक जिनको कहते हैं, आप सब जानते हैं, हमने सबसे विनती की, दरख्वास्त की कि माला मत लाना, मंच मत बनाना, नारे मत लगाना और ये चाय कॉफी बीच सभा में बांटना ये भी मत बांटना। नेताजी आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इतना बड़ा आप लोग मंच बना देते हैं, फिर इनकी गर्दन में इतनी मालाएं लाद देते हो, चार घंटे इंतजार करने के बाद वो आते हैं और फिर उनके नारे लगाते हैं, जब तक कहने की बात होती तो दिन डूब जाता, अंधेरा हो जाता, वो भी छुआछुई करके चले जाते, तुम भी अपने बैठ के चले जाते, काम की कोई बात नहीं हो पाती है। और हमने यही परिभाषाएं बदली हैं, हमने कहा कोई नारा नहीं लगेगा, कोई मंच नहीं बनेगा और कोई किसी को माला नहीं देगा। किस बात की माला है? तुम गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हो, वो माँ बेचारी जब से हम बैठे तब से गुड़ 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 गुड़, तुम्हारी हालत है इतनी खराब है, घर में नैया खावे और अम्मा चली बुनावे, घर में तुम्हारे यहाँ खाना नहीं है और ये मालाएं ले लेके तुम नेताओं का स्वागत करते रहते हो, नेताओं को काजू लेके आते हो, दे दो भैया बनिया से कह दो उधार दे दो, नेताजी आए फिर चुका देंगे, उनको तुम काजू खिलाते हो, वो तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारी सेवा के लिए वो चुने गए, तुम ही उनको यहाँ बिठालते हो, सर पे बिठाल देते हो, बड़ी बड़ी ब्याह घर की ये कुर्सियां ले आए जैसे राजा रजवाड़े की सज जाते, याद करो जब वो वोट मांगने आते हैं तो ऐसे हो जाता, हो दद्दा हो मन्ना दे दो हम तुम्हारे सेवक हैं। और जैसे ही तुमने उनको, मैंने कहा था ना उधार नहीं कर रहे, नगद में आ जो माइक पाँव हटाओ, हाँ जैसे ही वो जीतते हैं वो तुम्हारे मालिक बन जाते हैं, सेवक नहीं रहते, और वो इसलिए मालिक बन जाते हैं कि उस रात चुनाव के एक रात पहले 5,000 एक बोतल और एक मुर्गा आपके घर में पहुंच जाता है, तो आप बिक जाते हो, आपका ईमान उसी रात बिक गया, 5 साल के लिए आप बिक गए, एक बोतल में एक बकरा या मुर्गा जो भी तुम खाते हो उसमें और 5,000 रुपया पर शख्स में, तो फिर काय के लिए रोते हो भाई, क्यों कहते हो कि नहीं साहब इंसाफ होना चाहिए, हम गरीब हैं, हमारी तुम्हारी गरीबी तो उसी दिन 5,000 में बिकी जिस दिन तुमने वोट उस आदमी को दिया जो तुम्हें 5,000 और एक शराब की बोतल और तुम्हें मुर्गा भर खिला के चला गया, होना तो ये चाहिए था कि आपको लिखना चाहिए अपने गांव के बाहर, हमारे गांव के लोग ना शराब में ना पैसे में ना मुर्गा में ना बकरा में बहकावे में नहीं आएंगे, हम वोट तब डालेंगे तब तुम कहोगे कि इस गांव के इस खमोरा गांव का विकास होगा, यहाँ की सड़कें होंगी, यहाँ पे बिजली होगा, पानी होगा, तो फिर वो विकास की बात करेगा, ये तो तुमने बात ही नहीं कही भाई, वो एक व्यापारी आया तुम्हारे घर में 5,000 देगा तुम्हें एक रात में अच्छो खासो खिला गो, अब फिर वो अपना व्यापार कर रहा हो, उन्हें तो पूरे अंतर्राज्य ऐसे क्षेत्र में बांटे ना पैसे, रोनी में बांटे, सब जगह 5,000 बांटे, तो वो वसूल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, तो फिर काय के लिए तुम रोज के साहब हमारे घर बिजली नहीं है, तो वो 5,000 धन लेते थे वो तो बिजली के ही थे, दोनों तरफ से बात नहीं होती, एक तरफ से होती है, या तो ईमानदार हो तो फिर ईमानदार हो या फिर बेईमान हो तो फिर ठीक है, जैसी कट रही चला चला, आज ठीक ठाक हो कल राम नाम सत्य निकल जाओगे, कब हो रही है भाई, बहुत सारे निकल गए, मैं केवल आप लोगों को जगाने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि ये जो आप करते रहे जीवन भर वो कितना गलत था, आपने अपनी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद कर दी, 73 साल हो गए आजादी के बाद, बुंदेलखंड क्या था और अब बुंदेलखंड क्या है, रोना आता है, मैं अपने भाइयों से गाड़ी में बैठ के उन ओंकार भाई से कह रहा था, लगता है ये सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूं, इतनी बुरी गरीबी में आप लोग जी रहे हो, अरे गाय क्या ओंकार भाई, ये गाय को क्या छोड़ दे, इनका बच्चा है तो ये बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते, बूढ़े माँ बाप सड़कों पे फिरते भूखे मरते रहते, लेकिन लड़ेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं मानेंगे, और उसकी बदौलत यही होती क्या, एक
एक लेखपाल तुम्हें बेवकूफ बनाता है, एक एडियो, एक वीडियो, ये सचिव, ये सब तुम्हें बेवकूफ बनाते रहते और तुम मांगते रहते हो, ए भैया जो दे दो, ये तरक सी सड़क दे दो, तरक सी बिजली दे दो। कब तक मांगोगे, भिखारी बन गए हो मांग मांग के। लेकिन कभी खड़े नहीं हुए कि नहीं साहब, वोट हम देते हैं तुम्हें, सरकारी सेवा वाले जो अधिकारी हैं वो तुम्हारे सेवा के लिए हैं, तुम पे राज करने के लिए नहीं है। राज तो तुम करवाते हो, हम पे नहीं करते राज, हम पढ़े लिखे, हम उसे डीएम से सवाल करते हैं, हम वीडियो से सीडीओ से सवाल करते हैं। लेकिन एक होगा ही नहीं, आप लोग शुरुआत ही नहीं करना चाहते हो, आपके पता नहीं किस भरोसे बैठे हो, भगवान भरोसे बैठे हो, राजा बुंदेला के भरोसे बैठे हो, कभी वर्मा जी के भरोसे बैठे हो, कभी शर्मा जी के भरोसे बैठे हो। बदलने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। सरकारें आपकी मदद कर सकती हैं, सरकारें आपके साथ जीवन भर नहीं रहेंगी। नारे लगाते हो, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, कितनी सरकारें बदल चुके, कुछ बदला? कुछ नहीं। बस ही नहीं, सरकार बदल गई, तुम तो उधर ही रहे। तो ये नारा लगाओ कि हम निकम्मे हैं, हमें बदलना है, तभी आपका होगा। ऐसे आलसी आप, महान आलसी, बुंदेलखंड, दो बुंदेलखंडी आम के पेड़ के नीचे सो रहे थे, घोड़सवार निकलो, गए भैया घोड़सवार जरे थे आओ, उन्हें कहा भाई बताओ, पूरे जो आम पड़ो है हमारे बगल में, जरा हमारे मुंह में निचोड़ दो। तो वो घोड़सवार भी चौंक गया, उसने कहा भैया तुम साले बड़े आलसी हो, जो आम तुम्हारे लगाम पड़ो देखो तुम चूस नहीं सका, देखो नहीं। तो दूसरों जो संगे पड़ो तो बोले हाँ साहब बड़ा आलसी है साला, कल रात एक कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था, मैंने कहा भगा दो साले, ने भगाए नहीं। आप इस कगार तक पहुंच गए हो कि आप ये उम्मीद करते हो कि आपका कुत्ता मुंह चाट रहा हो, भगाने के लिए राजा बुंदेला आए, आपको लूट रहे हैं ये डाकू है नेतागण, और उसको उनको ठीक करने राजा बुंदेला।